क्या आप दिन भर उदास या नर्वस रहते हो? चलो इसके बारे में बातचीत करते हैं। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूं। महाराष्ट्र में मुंबई, पुणे, अकोला में प्रैक्टिस करता हूं। देखिए, कुछ लोगों को कंटिन्यूअसली दिन भर, पूरे दिन में उदासीनता, नर्वसनेस ऐसा लगते रहता है। आप समझ गए होंगे मैं बात कर रहा हूं डिस्थाइमिया नाम की बीमारी की। डिस्थाइमिया यह एक मूड डिसऑर्डर की बीमारी है, जिसमें 2 साल से कम यदि आपको ये सिम्टम दिखाई दे रहे हैं, कम से कम 2 साल से, तो हम उसको बोलते कि ये डिस्थाइमिया का पेशेंट है। इसमें होता क्या है, इसमें दिन भर उदास नर्वस लगता है, पूरे दिन कंप्लीट। उसके साथ साथ खुद में कमी लगना, इनएडिक्वेट हूं मैं कमजोर हूं, इनएडिक्वेट हूं, मुझे ये नहीं आता, वो नहीं आता, ऐसे घिनता की भावना, एक गिल्टी फीलिंग, अपराध बोध या खुद को दोष देना, चिड़चिड़ापन, गुस्सा आना, वो विड्रॉ होते जाता है सोसाइटी से, समाज से दूर होते जाता है। कोई भी चीज में कायम भी रुचि नहीं लगती, दिन भर दुखी, निर्णय लेने की क्षमता कम हो गई है, कंसंट्रेशन जो है लक्ष्य केंद्रित करना वो होता नहीं है, नींद जल्दी आती नहीं है या आगे तो जल्दी खुल जाती है, कोई बिना वजह थकान आती है, ऐसा लगता है कि ताकत कम है, एनर्जी लो है और निराशा है। 5 से 6% लोग ये बीमारी से ग्रसित हो सकते हैं, मगर ये ऐसी पास ऑन की जाती है, मतलब उसका इलाज नहीं होता है। तो इसका यदि मालूम है लोगों को कि ये इस तरह का एक डिस्थाइमिया नाम की बीमारी है और ये अच्छी हो सकती है, तो लोग उसका इलाज करेंगे, साइकेट्रिस्ट के पास में जाएंगे, क्योंकि नहीं तो अदरवाइज क्या होता है, प्रोडक्टिविटी नहीं है, उत्पादन क्षमता नहीं है, एफिशिएंसी नहीं है, वो काम करते नहीं है, अकेले बैठ रहेंगे, घर में रहेंगे, जाएंगे आएंगे नहीं, और हमको लगता है कि ये लड़का इतना बड़ा हो गया, 20 साल का हो गया, 25 साल काम नहीं करता है, कोई एग्जाम देता है वो बोलता है एग्जाम में पास नहीं होता, नौकरी भी नहीं करता, बिजनेस भी नहीं करता, करता क्या है, करना क्या है उसका, शादी भी के लिए भी नहीं बोलता है, तो ऐसा लोगों को लगता है इसका करना क्या। तो इसका इलाज यदि होता है डिस्थाइमिया का, तो वो बाद में अच्छा जीवन जी सकता है। डिस्थाइमिया का इलाज क्या है, साइकोथेरेपी है, मानसोपचार, सम्मोहन उपचार, बिहेवियर थेरेपी, कॉग्निटिव थेरेपी और मेडिसिन्स। मेडिसिन्स में SSRIs है, SNRIs है, जो हम देते हैं दवाइयाँ लोगों को, तो उससे फायदा उनको हो सकता है। तो ये सभी ट्रीटमेंट करके ये लोग अपना जीवन अच्छा कर सकते हैं। लोगों को मालूम ही नहीं है कि ऐसी कोई बीमारी है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये शेयर करो, ताकि लोगों का अवेयरनेस बढ़ेगा और लोग इलाज करके अपना जीवन अच्छा जी सकेंगे। थैंक यू वेरी मच।